स्पीडी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज वेजिटेबल लसानिया बनाते हैं। तो लसानिया का जो मटेरियल है ना, उसको शीट्स बोलते हैं, तो वो बाज़ार में रेडीमेड मिलता ही है। तो आपको जो साइज़ पसंद है वो आप लेके रखिए पहले से, तो उसको थोड़ा सा कुक करके उसमें बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो उसका फिलिंग तैयार करना है। फिलिंग के लिए आप सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए और बटर भी डालिए। बटर का खुशबू ज़्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, और फिर प्याज डालिए, और फिर कैप्सिकम, सारे कलर्स का कैप्सिकम बीज निकाल के छोटे छोटे काट के वो सब डालिए, और ग्रेट किया हुआ पनीर डालिए, और ग्रेट किया हुआ आलू भी डालिए। ये सबसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये इंडियनाइज्ड लज़ानिया है। तो एक्चुअल लज़ानिया थोड़ा फीका सा होता है, लेकिन हिंदुस्तानी लोग तो चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग के टेस्ट के लायक उसके अंदर का फिलिंग बनाते हैं। तो उसमें आप पेपर और साल्ट डालिए, अच्छी तरह से भूनिए, और भून के जब पूरी तरह से वो बन के तैयार हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब आपको लसानिया का जो शीट है, वो शीट को 3-4 मिनट के लिए उसको थोड़ा गर्म करना है, पानी में करके उसको निकाल दीजिए। लेके उसमें टमाटो सॉस अच्छी तरह से अंदर लगाइए। अगर टमाटो सॉस नहीं है, टमाटो केचप भी आप लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप अच्छी तरह से लिबरली लगाइए। लगा के उसके बाद ये फिलिंग, आप सब्ज़ी का फिलिंग डालिए उसमें। इसमें तीखापन आप अपनी पसंद का डालिए, नमक मिर्च, खट्टा चाहिए तो आपको लाइम भी डालिए, अपने पसंद का डालिए। डाल के सब डालने के बाद जब लास्ट में आप ऊपर से चीज़ ग्रेट करके खूबसूरत चीज़ ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको इसको अवन में बनाना है, और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको बनाना है। तो पहले प्री हीट कर लीजिए, उसके बाद 400 डिग्री फ़ारेनहाइट में आप कम से कम 20 मिनट के लिए बनाना पड़ेगा। 20 मिनट के पहले ही आप देख लीजिए, अगर ब्राउन होने लगता है ऊपर जो चीज़ आपने स्प्रेड किया है, ग्रेटेड चीज़, अगर ब्राउन होने लगता है तो आप पहले भी 15 मिनट के बाद भी बंद कर सकते हैं, 16-17 मिनट बाद भी रेडी हो सकता है। तो मैक्सिमम 20 मिनट्स लगता है। तो इसका टेस्ट बहुत चटपटा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इंडियनाइज कर दिया है, और ये तो बहुत ही टेस्टी होता है।